अरे गोलू, उसका पीछा छोड़ दे, उसे मैंने पहले देखा था। भाई तुझे मौका मिला था पर तूने गवा दिया। दोस्त है, साफ मत बन। मुझे बनने की जरूरत नहीं है, अभी भी मौका है हाथ मिला ले। गोलू सिर्फ लड़कियों को पप्पी देता है, हाथ किसी से नहीं मिलाता। ओए, मारा जाएगा। तू अपना सोच, इतना गुरूर ठीक नहीं है। तू जो भी कह ले, रानी तो मेरी रहेगी। ज्यादा खुश मत हो, कॉफर दे पहले। अरे यार वो देखो, हमारे पंडाल का मूर्ति आ रहा है। ओए यार, देखते देखते पूजा आ गया, पता ही नहीं चला। हाँ भाई, कुछ चीजों का पता नहीं लगता। ओ माय गॉड, देख भाई कॉफर मैंने दे दिया। हम जीत गए। पैसे निकाल। ओए गोलू साले, तेरा ब्लैक था, तूने व्हाइट कॉफर क्यों दिया? साले ने हमें जिता दिया। आगे स्वादे, तेरे शर्ट के पैसे तो याद है, और सिर्फ 4 पॉइंट और हम जीतने वाले हैं। सामने पूजा है और तुझे कैरम की पड़ी है। मैं जीतने वाला था। कोई ट्रम्प कार्ड खेलेगा पूजा से? याद आया, इस बार तुम लोगों को पता है इस पूजा में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज क्या है? वही गोलू, क्या है भाई? महल है गोलू साले, वो हर साल होता है। अरे भाई महाले की पिकनिक। अरे यार हमने तो ये सोचा ही नहीं, लेकिन ये पिकनिक होगा किसके घर में? अगले बार बल्ली के घर में हुआ था, तो इस बार गोलू। हाँ हाँ एकदम ठीक है, एकदम। बता किसके घर में होगा? भाई बल्ली के घर में होगा। फिर से मजाक किया? अरे भाई माफ कर दे, मजाक करो तो मजाक। इन लोगों का ड्रामा नहीं बंद होने वाला, आज शाम को चले आना चंदा लेने। घर में कोई है? अबे गोलू, ये बड़ी अजीब बात है। गेट ऑटोमेटिकली खुला हुआ है, 10 मिनट से हम खड़े हैं, कोई बाहर ही नहीं आ रहा है। आए, आए, इधर इधर, नीचे नीचे। तुझे कुछ सुनाई दे रहा है गोलू? भाई किसी मरे हुए जानवर की आवाज है। साला कोई भूत ऊत का तो चक्कर नहीं है? आए, आए, मुझे पता है तुम लोग मुझे जान बुझ के नजरअंदाज कर रहे हो, अब मैं रो जाऊंगा। अरे मजाक कर रहे थे, मजाक। जाओ बच्चे, घर में से किसी बड़े को बुला के लाओ। बच्चा? आपने बच्चा कहा, बच्चा नहीं समझना अंकल। तू भी मुझे अंकल मत कह, बाप हूँ मैं तेरा। रुको रुको, मैं अभी अपनी दीदी को बुला के लाता हूँ, वो अभी तुम्हें बताएंगे। क्या हुआ, तुम लोग मेरे भाई को परेशान क्यों कर रहे हो? एक्चुअली हम मोहल्ले के दुर्गा पूजा के चंदा कलेक्शन के लिए आए हैं, तो आप जितना हो सकता है आप दे सकते हैं, नहीं तो हम वसूली पे भी उतर जाते हैं कभी कभी। वैसे तुम अगर पैसा देना नहीं चाहते हो तो अपना फोन नंबर भी दे सकती हो। हमें पैसा ही चाहिए, रसीद लिख रहा हूँ 501 का। ओए, पैसे वैसे नहीं दे सकते। क्यों? मम्मी घर पे नहीं है। रिया हमें चंदा चाहिए, तुम्हारी मम्मी नहीं। क्या भाई, क्यों मेरे जान को परेशान कर रहा है? क्या? मतलब जाने दो ना भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? ये क्या बदतमीजी, बोला ना नहीं है। हाँ भाई, वो कह रही आंटी नहीं है तो नहीं है, चल भाई वापस चलते हैं। अबे मजनू आशिक, तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? भाई यार वो सब छोड़, तूने कल किरण मालो का नया एपिसोड देखा? क्या? मुझे तो पहले ही शक था, वो कोटकोटी साली गुंडी है। पागल हो क्या, उस एपिसोड में रेशमा गुंडी थी। मुझे तो मायापरी पे शक है। हाँ बेटा मुझे भी लग रहा है उसकी नियत में कुछ खोट है। लेकिन आंटी आप तो अभी नहीं थे। ओए ओए भाई, जो हुआ उसे भूल जाओ, आंटी आप अब बाहर निकल ही चुके हो तो। क्या बताऊँ बेटा, कितने बुरे सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, परिस्थिति कितना बुरा हो चुका है। मैं देखता हूँ वो बाहर एक लड़के के साथ घूमने जाती है। अरे मैं सिचुएशन की बात कर रही हूँ, पैसों की तो बात मत करो, घर में राशन तक नहीं है, जोमैटो से ऑर्डर देके खाना पड़ रहा है। क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे अंकल का बिजनेस भी नहीं चल रहा है। आंटी अंकल, इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।